जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा से चलकर अयोध्या तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर के दिन करने वाले हैं। उसकी फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इस ट्रेन का नंबर क्या होगा और आपको कितने फेयर इसमें देने होंगे और इसका टाइम क्या होने वाला है, कितने बजे दरभंगा से खुलेगी, कितने बजे आपको आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाएगी और कितने बजे आनंद विहार से खुलेगी और कितने बजे आपको दरभंगा ये ट्रेन पहुंचाएगी, कितने हॉल्ट पर रुकते हुए ये ट्रेन चलेगी, फुल डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर के दिन दो अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि एक बिहार को मिली है जो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है और जो दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस है वो मालदा से बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है, तो इसका इनॉग्रेशन 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर के दिन आपको देखने मिलने वाला है। साथ ही 6 चेयर कार वाली वंदे भारत का भी परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। इसको अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे चलाने वाली है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस है, उसका आपको ट्रेन नंबर शायद मालूम नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, उसका ट्रेन नंबर आ गया है। उसका ट्रेन नंबर है 1557 और 1558। इस अमृत भारत का ट्रेन नंबर होने वाला है दरभंगा से ये ट्रेन सोमवार और गुरुवार को 1137 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन कवर करेगी 21 घंटा और 35 मिनट में ट्रेन कवर करने वाली है। अगर इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात करें कि ये ट्रेन कितनी स्पीड में चलने वाली, एवरेज स्पीड इस ट्रेन का 52 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर की ट्रैक का पोजीशन देखते हुए भारतीय रेलवे ट्रेन की गति सीमा को निर्धारित करती है कि इस ट्रैक पर इस ट्रेन का परिचालन स्पीड से इस पर चलाया जा सकता है। दरभंगा से आनंद विहार के बीच इस ट्रेन का अगर स्टॉपेज की बात करें कि इस ट्रेन का कितना स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है तो 17 हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार के बीच पहुँचे। दरभंगा से अगर खुलने का समय मैं आपको बताऊँ कि दरभंगा से ये ट्रेन कितने बजे खुलेगी तो 3 बजे दिन में यह ट्रेन खुलेगी और आनंद विहार दूसरे दिन 12:35 पर दोपहर में आपको पहुंचा देगा। कर लेते हैं अगर इस ट्रेन की कमर्शियल रन के, कि सभी लोग इसका कमर्शियल रन भी इंतजार कर रहे हैं कि ये अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन तो 30 दिसंबर के दिन हो रहा है लेकिन इसका कमर्शियल रन भारतीय रेलवे कब से शुरू कर रही है, तो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2023 से इसका कमर्शियल रन यानी कि दरभंगा से ये ट्रेन आनंद विहार के लिए भारतीय रेलवे चलाने वाली, जो कि आनंद विहार से मंगलवार और शुक्रवार के दिन भारतीय रेलवे इसका परिचालन शुरू करेगी। मंगलवार और शुक्रवार को शाम 3:10 पर आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन खुलने वाली है और दरभंगा 11:50 पर दिन में ये ट्रेन आपको पहुंचाएगी। इस ट्रेन की अगर कमर्शियल रन की बात करें कि कमर्शियल रन आपको आनंद विहार से 20 तारीख से आपको देखने को मिलेगा तो 2 जनवरी से इसका कमर्शियल रन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों बात ये है कि इस ट्रेन का परिचालन 1 जनवरी 2024 से भारतीय रेलवे शुरू कर देने वाली है और इसका परिचालन आपको दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच शुरू हो। बात कर लेते हैं अगर इस ट्रेन के फेयर के बारे में कि सभी लोग, ऐसे तो मैंने कल एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें आपको फेयर के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, तो अगर फेयर के बारे में अभी जो इसका कन्फर्म न्यूज निकल कर सामने नहीं आया है कि स्लीपर और जनरल का कितना लगने वाला है तो इसमें कन्फर्मेशन अभी निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो भारतीय रेलवे द्वारा बताए जा रहे हैं अन LHB ट्रेनों के हिसाब से इसमें 15% से लेकर 17% आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा इसमें अगर आप जर्नी करना चाहते हैं तो, अन्य ट्रेनों के मुकाबले 15% से लेकर 17% आपको एक्स्ट्रा फेयर लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था
कि 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आप सफर कर रहे हैं तो इस ट्रेन का फेयर आपको 30 से लेकर 35 रुपए आपको पे करना होगा। रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जैसे ही भारतीय रेलवे इस पर कोई बड़ा अपडेट देती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस ट्रेन का कमर्शियल रन तो 1 जनवरी 2023 से भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, लेकिन पहले इसका इनॉग्रेशन देखना है। इनॉग्रेशन इसका भारतीय रेलवे 30 दिसंबर 2023 को करने जा रही है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।